की खुशहाली व प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए हमने जो संकल्प लिए हैं उन्हें सबके सहयोग से समयबद्ध रूप से साकार करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन तथा माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। देकर अच्छी शिक्षा बेहतर स्वास्थ्य, नित करें हम मानव कल्याण, दे सहारा करें असहाय वृद्धजन का सम्मान, दे नारी को प्रोत्साहन, है भार जिन युवा कंधों पर, आओ कंधे उनके मजबूत बनाएं, आओ मिलकर विकास की ओर एक साथ कदम बढ़ाएं। धरती ओढ़े चुनरी हरी, साफ स्वच्छ रहे पर्यावरण, रोशन कर घरों को उनके, करे हर पल तिमर का हरण, प्यास बुझे ढाणी ढाणी, मगरे मगरे पहुंचे पानी, विकसित हो उद्योग, मिले सबको रोजगार, है मिलकर हमने ठानी। मंद हो गई जो प्रगति, आओ फिर उसको गतिमान बनाएं, आओ मिलकर विकास की ओर एक साथ कदम बढ़ाएं, चलो मिलकर हम सब विकसित राजस्थान बनाएं। कर प्रस्ताव। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अब कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। यद्यपि करों से प्राप्त राजस्व की प्रदेश के विकास के साथ साथ जन कल्याण की योजनाओं के संचालन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि सरकार का यह भी दायित्व है कि वह आमजन तथा उद्योग व्यापार को करों के अत्यधिक बोझ एवं महंगाई के भार से बचाए। ये अवधारणा हमारे देश में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। हमारी संस्कृति एवं पुरातन ग्रंथों में कहा गया है कि यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम, तथा अवेक्ष नृपो राष्ट्र कल्पयेत सततम कराण, अर्थात राजा को ये विचार करके ही कर का निर्धारण करना चाहिए कि एकत्र राजस्व उतना ही हो जितने से राज्य का कार्य व जन कल्याण सुनिश्चित हो सके, तथा साथ में ही लोगों व्यवसायियों को भी अपने कार्य का फल पाने के लिए पर्याप्त शेष रहे। यही भावना वृक्ष का दृष्टान देते हुए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के भाग 5 अध्याय 2 श्लोक 70 में भी विद्यमान है। इन ग्रंथों में दिए गए कर निर्धारण के आधार को कालांतर में आधुनिक इकोनॉमिक्स के लाफर कर्व एनालिसिस के समतुल्य देखा जा सकता है। हमारी सरकार द्वारा इसी भावना के अनुरूप आमजन को राहत देने के लिए प्रदेश की जनता को दी गई प्रधानमंत्री जी की गारंटी को पूरा करते हुए 15 मार्च 2024 से पेट्रोल एवं डीजल की वैट दर में 2-2% की कमी की गई। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के विशेष प्रयासों से केंद्र सरकार का सहयोग प्राप्त करते हुए पेट्रोल डीजल के फ्रेट को रैशनलाइज कर पेट्रोल की कीमत में अधिकतम 7 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल में अधिकतम 6 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई। हमारी सरकार इसी प्रकार भविष्य में भी प्रदेश के विकास को और अधिक गति देने के साथ ही आमजन एवं निवेशकों को आवश्यक राहत प्रदान करने की दृष्टि से राजस्व संग्रहण का दायित्व निर्वहन करने वाले समस्त विभागों के संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है। पंजीयन एवं मुद्राक विभाग, विविध विलेखों पर स्टैम्प ड्यूटी की देयता के संबंध में प्रचलित वर्तमान श्रेणियों को कम करने के साथ ही दरों का रैशनलाइजेशन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निम्न विलेखों पर भी स्टैम्प ड्यूटी माफ करने की घोषणा करती हूँ। कृषि एवं
आवासीय विद्युत कनेक्शन के लिए डिस्कॉम के साथ निष्पादित दिए जाने वाले अग्रीमेंट, युवाओं द्वारा अप्रेंटिसशिप संबंधी दस्तावेज, किसानों द्वारा अपनी फसल पर किए जाने वाले बंद पत्र मॉर्टगेज, शिपिंग से संबंधित विविध विलेख। वर्तमान में माता पिता द्वारा पुत्र और पुत्री के पक्ष में निष्पादित सेटलमेंट डीड पर स्टैम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क पर देय पूर्ण छूट को मैं पत्नी पुत्र वधु पोता पोती एवं दोयता दोयती के पक्ष में निष्पादित सेटलमेंट डीड पर भी दिए जाने की घोषणा करती हूँ। परिवार के सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व के अधीन दो या अधिक गैर कृषि संपत्तियों के एक दूसरे के पक्ष में एक्सचेंज करने पर स्टैम्प ड्यूटी उनमें से अधिकतम मूल्य की संपत्ति के मूल्य पर 6% से घटाकर 2% किया जाना प्रस्तावित। सैनिकों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के शहीदों की वीरांगनाओं या उनके पुत्र पुत्री या माता पिता को सरकार, निजी संस्था अथवा व्यक्ति विशेष के द्वारा निःशुल्क आवास दिए जाने पर स्टैम्प ड्यूटी की छूट दी गई थी। अब इस हेतु पंजीयन शुल्क में भी पूर्ण छूट देने की घोषणा करते हैं। शहरों में अधिक जनसंख्या भार वाले क्षेत्रों में कंजेशन कम करने की दिशा में कदम उठाते हुए ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स TDR की प्रक्रिया ऑटोमेट करते हुए स्टैम्प ड्यूटी की पूरी छूट दिए जाने की घोषणा करती हूँ तथा इसके विक्रय पर स्टैम्प ड्यूटी 5% से घटाकर 2% की जाएगी। आमजन को आसानी से हाउसिंग लोन प्राप्त हो इसके लिए डेब्ट असाइनमेंट पर स्टैम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा को 15 लाख रुपए से घटाकर 1 लाख रुपए किए जाने की घोषणा कर दी। साथ ही इस प्रकृति के दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा को भी 25,000 रुपए किया जाना प्रस्तावित है। स्थानीय निकाय से आवासीय पट्टा जारी हो जाने पर पूर्व के अपंजीकृत दस्तावेजों यथा अग्रीमेंट टू सेल, सोसाइटी पट्टा आदि पर स्टैम्प ड्यूटी DLC के 20% दर पर देय है। इसी तर्ज पर अब मैं स्थानीय निकाय का पट्टा नहीं होने पर भी उक्त छूट लागू करने की घोषणा करती हूँ। मल्टी स्टोरी भवनों में 50 लाख रुपए तक के फ्लैट्स की खरीद पर स्टैम्प ड्यूटी को वर्तमान में निर्धारित 6% से कम करके 5% किया जाना प्रस्तावित है। निर्माणाधीन फ्लैट्स एवं भवनों पर देय GST राशि पर ली जा रही स्टैम्प ड्यूटी से आमजन को राहत प्रदान करते हुए इसको माफ किए जाने की घोषणा कर दी। स्टैम्प्स एक्ट के अंतर्गत रेफरेंस अपील के माध्यम से निर्धारित की गई स्टैम्प ड्यूटी को निर्णय के 1 माह के अंदर जमा कराने पर ब्याज माफ करना प्रस्तावित है। दस्तावेज के निष्पादन के 1 माह के भीतर उसका निरस्तीकरण कैंसिलेशन कराए जाने पर स्टैम्प ड्यूटी घटाकर कन्वेयंस के साथ के स्थान पर 1,000 रुपये किए जाने की घोषणा करती हूँ। रजिस्ट्री संबंधी कार्य को सुगम एवं समय पर संपादित करने के लिए मौका निरीक्षण हेतु संबंधित पटवारी, गिरदावर, ग्राम विकास अधिकारी एवं नगर निकाय अधिकारी को भी मौका निरीक्षक के रूप में अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है। बैंकों एवं वित्तीय कंपनियों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने संबंधी मूल दस्तावेज के अतिरिक्त अन्य दस्तावेजों को स्टैम्प ड्यूटी मुक्त किए जाने की घोषणा करती हूँ। कंपनियों के अमेलगमेशन एवं डीमर्जर पर स्टैम्प ड्यूटी में रियायत प्रदान करते हुए अलॉटेड ट्रांसफर शेयर्स के मूल्य पर वर्तमान में देय 4% को कम करते हुए 1% किए जाना प्रस्तावित है। साथ ही इस हेतु निर्धारित अधिकतम राशि की सीमा को भी 50 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए किया जाएगा। वाणिज्य कर विभाग राज्य सरकार द्वारा नई राजनिवेश नीति 2024 रिप्स 2024 लाई जाएगी, जिसमें राज्य के विक्रय या प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
साथ ही निवेशकों को और अधिक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से रिप्स योजना के अंतर्गत ऊर्जा के अधिक उपयोग वाले उद्यमों में निश्चित समय अवधि के लिए पीएनजी की वैट दर में 5% तक कमी किया जाना प्रस्तावित है। निवेशकों द्वारा सिक यूनिट को रिवाइव करने की स्थिति में भी इंसेंटिव्स का प्रावधान किया जाएगा। गत सरकार द्वारा प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करने के कारण किसी भी निवेशक को प्रचलित रिप्स के अंतर्गत लाभ नहीं मिल पाया। हम इस समस्या को दूर करते हुए 15 अगस्त 2024 से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लाभ देना प्रारंभ करेंगे। रिप्स के अंतर्गत स्टैम्प ड्यूटी से छूट हेतु जारी पात्रता प्रमाण पत्र की अवधि की वैधता को 1 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष किया जाना प्रस्तावित है। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण राष्ट्र में जीएसटी लागू होने के उपरांत मात्र 6 कमोडिटीज पर ही वैट की देयता है। ऐसी स्थिति में वैट एक्ट के सरलीकरण की दृष्टि से नवीन वैट अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित है। ग्रीन ग्रोथ को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सीएनजी पीएनजी पर प्रचलित वैट दर को 14.5% से कम कर 10% किए जाने की घोषणा करती है। प्रदेश में युवाओं को एविएशन के क्षेत्र में रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस एवं एयरक्राफ्ट टाइप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु इनके लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर लागू वैट दर को 26% से घटाकर 2% किए जाने की घोषणा करती। कैप्टिव पावर प्रयोग करने वाले उपक्रमों को राहत देते हुए मैं उपक्रम हेतु उपयोग ली गई ऊर्जा से संबंधित ऑक्सिलरी पावर पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समाप्त किए जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही ऐसी ऑक्सिलरी पावर पर बकाया इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का 10% जमा कराने पर शेष मूल राशि तथा ब्याज शास्ति माफ करना भी प्रस्तावित है। एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन गेमिंग, ई कॉमर्स, OTT प्लेटफॉर्म आदि के लिए नवीन इंटीग्रेटेड प्रणाली विकसित की जाएगी। परिवहन विभाग प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित करना प्रस्तावित है। स्टेज कैरेज वाहन के अन्य श्रेणी मार्ग पर 300 किलोमीटर से अधिक प्रतिदिन संचालन पर वर्तमान में देय मोटर वाहन पर MV टैक्स को 504 रुपये से घटाकर 400 रुपये प्रति सीट प्रति माह किया जाना प्रस्तावित है। वाहन के स्वामित्व हस्तांतरण ओनरशिप ट्रांसफर में प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन करते हुए वाहन को भौतिक रूप से प्रस्तुत किए जाने की अनिवार्यता से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर रिटेंशन की सुविधा वाहन को स्क्रैप कराए जाने पर भी प्रदान की जाएगी। परिवहन व्यवसायियों को राहत प्रदान करते हुए परिवहन वाहनों की फिटनेस के समय पर चुकता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त किया जाता है। नए वाहनों को पंजीयन के पश्चात परमिट प्राप्त करने पर देश पे टैक्स में छूट को 15 दिवस से बढ़ाकर 30 दिवस किया जाता है। यह छूट पुराने वाहनों का परमिट सरेंडर करने के उपरांत नया परमिट प्राप्त करने पर भी देय होगी। प्राइवेट सर्विस व्हीकल, टूरिस्ट व्हीकल तथा कॉन्ट्रैक्ट कैरेज व्हीकल में एक बार ये कर वन टाइम टैक्स की वर्तमान प्रचलित दर को 10% कम किया जाना प्रस्तावित है। 22 सीट से अधिक बैठक क्षमता के यात्री वाहनों के स्पेशल परमिट पर मोटर वाहन कर की दर को एक समान 600 रुपये तथा पर्यटक यात्री वाहनों का कर एक समान 875 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। आबकारी विभाग वर्ष 1950 से प्रचलित राजस्थान आबकारी अधिनियम के वर्तमान समय में इररेलेवेंट होने के कारण राजस्व संग्रहण में एफिशिएंसी लाने तथा अवैध मदिरा पर अंकुश लगाने की दृष्टि से नया आबकारी कानून लाया जाना प्रस्तावित है।
खान एवं पेट्रोलियम विभाग, वर्ष 2015 से खनन कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन होने के उपरांत राज्य में वर्तमान में प्रचलित खनिज नीति 215 ऑब्सलीट हो गई है, अतः नवीन खनिज नीति 2024 लाई जानी प्रस्तावित है। बलुआ पत्थर, चेजा पत्थर आदि खनिजों के संबंध में स्थानीय निवासियों को प्रोत्साहन देने के लिए 1 हेक्टेयर से छोटे क्षेत्रों की नीलामी में सिक्योरिटी राशि 10 लाख रुपए से घटाकर 2 लाख रुपए की जाएगी। माइनर मिनरल्स के खनन पट्टाधारी क्वारी लाइसेंस धारकों को राहत देते हुए लाइसेंस की बढ़ी हुई अवधि अर्थात वर्ष 2040 तक के देय प्रीमियम की राशि को किश्तों में जमा कराए जाने का प्रावधान करने की घोषणा करते। प्रदेश में बजरी संबंधी समस्याओं के निदान के लिए कतिपय स्थानों पर राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के माध्यम से भी बजरी उत्पादन की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बजरी के विकल्प के रूप में एमसैंड को बढ़ावा देने के लिए नवीन एमसैंड पॉलिसी लाई जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में खनन संबंधी गतिविधियों को गति देने हेतु केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप प्राइवेट सेक्टर को भी एक्सप्लोरेशन हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। जहां गत 7 वर्षों में प्रधान खनिज के केवल 54 ब्लॉक्स की नीलामी की गई, वहीं अब नीलामी की संख्या को लगभग 2 गुना करते हुए 100 से अधिक ब्लॉक्स की नीलामी की जाएगी। इसी प्रकार पहली 4 चिन्हित ब्लॉक्स की प्री एम्बेडेड क्लियरेंसेस के साथ नीलामी किया जाना भी प्रस्तावित है। फर्स्ट फेज में ऐसे 8 ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। खनिजों के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की दृष्टि से बीकानेर में सिरेमिक्स तथा उदयपुर में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा कर दी। इन पर 10 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। अप्रधान खनिजों के उत्पादन एवं निर्गमन में वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट पद्धति चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी। इस हेतु लीज क्षेत्र की विसंगतियों के संबंध में खनन क्षेत्र का समुचित निर्धारण करने हेतु स्पष्ट मानक पद्धति लागू की जाएगी। साथ ही इस क्रम में एकमुश्त समाधान योजना लाई जाकर देय ब्याज व शास्ति की छूट दी जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में परिवारों विशेषकर महिलाओं को अतिरिक्त सुविधा एवं सुरक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य के 8 नगरों जयपुर, कोटा, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, अजमेर व पाली में 2000 किलोमीटर लंबाई की गैस पाइपलाइन बिछाकर 1 लाख से अधिक गैस कनेक्शन जारी किए जाएंगे। निवेश प्रोत्साहन हेतु अन्य बिंदु। उद्योग विभाग रिको एरिया से 1 किलोमीटर की परिधि में भी लैंड कन्वर्जन के लिए रिको की अनापत्ति एनओसी की आवश्यकता समाप्त करने की घोषणा करती। इसके साथ ही निजी औद्योगिक पार्क योजना भी लाई जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में भू संसाधन के समुचित एवं ऑप्टिमम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु लैंड एग्रीगेशन एंड मोनिटाइजेशन पॉलिसी लाई जाएगी। साथ ही इसे सशक्त करने के लिए एग्रीगेशन ऑफ प्राइवेट लैंड एक्ट लाया जाना प्रस्तावित है। राजस्व विभाग रिको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्र के भू रूपांतरण एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड्स वैलिडेशन एक्ट लाया जाएगा। पर्यटन एवं एग्रो प्रोसेसिंग जैसे प्रोजेक्ट्स जिनके लिए कृषि भूमि का कन्वर्जन आवश्यक नहीं है, उनके लिए निशुल्क ऑनलाइन डीम कन्वर्जन ऑर्डर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे निवेशकों को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए ऋण लेने में समस्या का सामना नहीं करना पड़े। स्वायत्त शासन विभाग 15 मीटर की ऊंचाइयों तक के भवनों के फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हेतु वर्तमान में निर्धारित